लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना महामारी के खिलाफ जो अभियान हम सबका चल रहा है, पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पिछले एक सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना, यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे, कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं।